सागर कि कृष्णा पर गंगा से ज्यादा हक है तुम्हारा। एक बच्ची को उसकी मां से अलग कर दोगे तुम? इतने पत्थरदिल कब से हो गए तुम? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको याद है जब गंगा छोटी थी उसने पढ़ाई करने से मना कर दिया? बात को घुमाने की जरूरत नहीं है सागर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं और तुम। मैंने कहा था उसे कि मान ले बात, पापा तेरे भले के लिए कह रहे हैं। वो सीधे बात तो कभी कोई बात मानती नहीं थी, इसलिए मुझे उससे कहना पड़ा था। देख, मुझे सारे फ्रेंड स्कूल जाते हैं, सब पढ़ाई करते हैं, अगर तुझे मेरी फ्रेंड बनना है तो तुझे भी पढ़ाई करना। लेकिन मेरी उस बात का इस बात का उस सवाल से क्या मतलब है? मैंने कितना परेशान किया सब कुछ याद है मुझे, लेकिन मेरे सवाल का इस बात से क्या मतलब है? कन्हा ने कितना परेशान किया था मास्टर जी को, कितना तंग किया था, और इसलिए आपको नाराज होकर कहना पड़ा कि ठीक है मत पढ़ दो, आज से मास्टर जी घर पर नहीं आएंगे तुझे पढ़ाने। ऐसा ही होता था। तुम क्या ना कह चाहते हो सागर? पापा आपके कहने पर आपने जो कुछ कहा था कन्हा को, उसके स्वाभिमान को चैलेंज किया था, और इसीलिए तुरंत वो राजी, और इसीलिए वो तुरंत राजी हो गई थी पढ़ने के लिए। पापा गंगा अभी भी बिल्कुल वैसी ही है, एक नंबर की जिद्दी, बिल्कुल भी चेंज नहीं है उसमें। बचपन में एक जिद थी उसकी पढ़ाई ना करने की, और आज एक जिद है कि कृष्णा सिर्फ उसी की है, सिर्फ उसी का हक है उस पे, किसी और का कोई हक नहीं उस पे।